नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज हम हिसार में हैं। यहाँ पे कृषि दर्शन के द्वारा एक कृषि मेला लगाया गया है। बेलारूस की स्टाल भी यहाँ पे लगी हुई है और बेलारूस का ये हाथी मॉडल यहाँ पे आया हुआ है 920, जो कि 84 हॉर्स पावर का इंजन है। इसमें बहुत ही तगड़ा ट्रैक्टर है ये, एसी कैबिन के साथ में आता है। कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे हम मिलते हैं और इस ट्रैक्टर की सारी जानकारी लेते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। अगर इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ शेयर करें। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर एक बार अपना नाम बताओ। मेरा नाम पंडरी प्रसाद कड़वे है जी। और कंपनी के बारे में बताओ सर थोड़ा। ये कंपनी जो है इरीसा एग्रीटेक के नाम से है और ये ट्रैक्टर हम इसमें इसके जो अंदर में है बहुत सारे हमारे पास इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर्स और बाहर से कंबाइन हार्वेस्टर्स और ड्रोन, ऐसे एक ही अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे इम्प्लीमेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं। सर जो ये बेलारूस ट्रैक्टर है ये दोबारा कब से लॉन्च हुआ है सर अपने भारत में? ये अभी अगस्त में लॉन्च हुआ है। लॉन्च हुआ है, ठीक सर। तो थोड़ा हम इसके इतिहास के बारे में जाने सर, ये बंद क्यों हुआ था अपने भारत में? ये ऐसा है, किसी ने इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था बाहर से, उस समय में इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप गवर्नमेंट का जो भी रीजन उसकी वजह से बंद हुआ और उसके बाद में फिर हमारे राणा साहब ने फिर इसको दोबारा इंडिया में हमारे किसान को, क्योंकि किसान को बहुत पसंद है ये मॉडल। आज भी बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे हैं जो इंडिया में चल रहे हैं और किसान इसके फैन है, तो इसके लिए हमारे राणा साहब ने ये सोचने के बाद में हमने इंडिया में इसको वापस रीइंट्रोड्यूस किया। 84.5 HP में है इसका जो 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है जी, ये टर्बोचार्ज है, इनलाइन पंप है। उसके बाद में इसमें इसका जो इंजन का वॉल्यूम है ये 4.75 लीटर का इसका वॉल्यूम है, जिसको आप अगर सीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें इजीली ओपनेबल हुड दिया हुआ है, उसके साथ में आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो वेट है, जैसे फार्मर्स को फ्रंट जब ट्रैक्टर जब चलता है खेत में तो कई बार फ्रंट लिफ्टिंग करता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसमें एडिशनल 5 वेट इस साइड, 5 ऐसे 10 वेट आप लगा सकते हैं। अब उसको ज़रूरत नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, क्विक वेट है ये। उसके बाद में इसमें जो है ये जो 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, इसमें एक और विशेष फीचर ये है कि ये जो 4-व्हील ड्राइव का जो शाफ्ट है इसमें कार्डन शाफ्ट लगी हुई, इसमें एक ऐसे यूनिट है जो ऑटोमेटिक आप एक उसमें लीवर में मोड में सेलेक्ट कर लोगे जिसको ऑटो मोड बोलते हैं, तो जब आप खेत में डालोगे तो ये 4-व्हील ड्राइव में चले जाएगा और जब ये रोड पे चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये 2-व्हील ड्राइव में आ जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन ऐसा भी है जो आप कंटिन्यू आप 4-व्हील ड्राइव में रखना ही चाहते हो तो 4-व्हील ड्राइव का भी एक ऑप्शन है, ठीक है, ये इसका स्पेशल फीचर है। उसके बाद में इसमें सेपरेट इसका हाइड्रोलिक ऑयल की कैपेसिटी अलग है जो, और उसके बाद में इसमें जो केबिन है ये फुली कंट्रोल्ड है, मतलब वातानुकूलित है। इसमें हीटर का भी ऑप्शन है और एसी का भी ऑप्शन है। टायर साइज की बताओ। टायर साइज की अगर हम कहें तो इसमें जो है अगला जो टायर है 360/70R24 का टायर साइज है। ये पूरा का पूरा ट्रैक्टर इंपोर्ट किया हुआ है इंडिया में, कुछ भी यहाँ से कुछ भी इसको तैयार नहीं किया गया है। और पीछे की टायर, और ये पहला ट्रैक्टर ऐसा है जिसको चेचिस पे है, आप इंडिया में और कोई ट्रैक्टर ऐसे नहीं देखेंगे, उसी की टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये 50 HP का भी बनाया जिसमें भी चेचिस का सहयोग किया है। इसमें फिर एडिशनल आप देखोगे तो ऑयल कूलर दिया हुआ है, टर्बोचार्ज है। ये जो वॉल है जो आगे हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रैक्टर में लोडर डोजर लगवाते हैं, ठीक है, तो वो लोडर और डोजर को लगाने के लिए अलग से लोग पंप लगाते हैं, फिर उसके बाद में उसका कनेक्शन करते हैं, फिर अलग से उसका वॉल लगाते हैं। तो कंपनी ने क्या किया है इसमें, ये 3 जॉयस्टिक दी हुए यहाँ पे, जब हम केबिन में चलेंगे तो आपको उसके बारे में बताएंगे। तो 3 जॉयस्टिक के लिए 3 जो है इसके कनेक्शन, आउटर जो एक्सटर्नल सिलेंडर है आप चाहे उससे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल सिलेंडर से आप बाहर जैसे लोडर लगाना है डोजर लगाना है तो 2 इस साइड दिए, 2 उस साइड दिए और 2 पीछे के साइड, जैसे कोई इम्प्लीमेंट वगैरह जैसे पावर हैरो हो गया आपका, रिवर्सिबल प्लाउ हो गया, उसके लिए वो 2 ऐसे कनेक्टर्स दिए हुए हैं उसके लिए 3, ठीक है। उसके बाद में हम आप देखेंगे इसमें सब ऑटोमेटिक सेंसर दिए हुए, स्पीडोमीटर्स दिए हुए हैं। पीछे का जो टायर की, अगर हम पीछे के टायर की बात करें, तो ये जो टायर है 15.5R38 का टायर साइज है इसमें, और दूसरा टायर साइज भी अवेलेबल होता है, लेकिन अभी जो हमने ये ट्रैक्टर लेके आए ये 15.5R38 के हिसाब से लेके आए। उसके बाद हम पीछे की तरफ आ जाए तो इसका जो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है
हाँ जी, इसका जो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है, इसका जो लिफ्ट कैपेसिटी है ये सबसे ज़्यादा है, 4000 केजी का लिफ्ट कैपेसिटी है। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिक का मैकेनिकल लॉक मैकेनिज्म दिया हुआ है। यहाँ पे स्विंगिंग ड्राबर है, स्विंगिंग ड्राबर के साथ साथ इसमें एक ऐसा भी आता है ऑप्शनल में कि आप इंडिया में जो सादे हुक आते हैं जो ट्राली जोड़ने के लिए, वो उसका भी इसमें प्रोविज़न है। ठीक है, एक सबसे यूनिक फीचर इस ट्रैक्टर में ये है कि ये एक पहला ट्रैक्टर है बेलारूस जिसमें आपको बाकी ट्रैक्टरों में क्या होता है कि हाइड्रोलिक जो एम्प्लीमेंट उठाने के लिए हाइड्रोलिक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नीचे गिराने के लिए वो एम्प्लीमेंट की वजन से नीचे गिरता है। लेकिन ये एक ऐसा फीचर है इस ट्रैक्टर में कि इसमें उठाने के लिए भी और नीचे और अंदर दबाने के लिए भी इसमें वो आप मतलब दोनों साइड ही काम करता है। अगर आपको ट्रैक्टर के टायर भी उठाना है तो आप पीछे से उसको एम्प्लीमेंट लगाओ, नीचे वो पोजिशन से आप उसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो आपका ट्रैक्टर पीछे से उठ जाएगा। ठीक है जी, इसका फ्यूल टैंक है जो 100 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, इसमें पीछे में आप वर्क लैंप देख रहे हो, उसके बाद में इधर रियर में वाइपर है और वर्क लैंप है, साइड के विंडोज़ है। अगर आपको एसी यूज़ नहीं करना है तो ये जो है ये दोनों तरफ से आप ग्लास को ओपन कर सकते हो। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे पीछे वेट की तरफ देखें तो इसमें एडिशनल वेट दिया हुआ है जो 20 केजी का है। ये आप ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप एक है दो कर सकते हो और ज़रूरत नहीं। वैसे तो इसका ट्रैक्टर का वज़न 3000 केजी है तो इसमें इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत के हिसाब से कोई, क्योंकि फील्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होती है, तो उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो है ये क्रीपर मैकेनिज्म दिया हुआ है, अगर आपको जैसे लो स्पीड की ज़रूरत है तो वो लो स्पीड के लिए आप इसमें गियर लीवर दिया हुआ है जिससे आपको मिनिमम स्पीड 1.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल जाएगा। तो वो एक कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें किसानों को बहुत कम स्पीड की ज़रूरत होती है, जैसे मल्चर जो बनाना मल्चिंग हो गया या और जो रीजिंग हो गया, उसके लिए आपको 1 किलोमीटर की स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर वो रेटेड आरपीएम पे 1 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। उसके बाद में हम अंदर की तरफ चलें, इसमें हम अंदर की तरफ चले तो इसमें एक बैटरी कट ऑफ स्विच दिया हुआ है, पावर कट ऑफ। ये देखो, मैं ये इसको ऑन करूँगा तो बैटरी कट ऑफ ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग टिल्टेबल स्टेयरिंग है इसका, आप ज़रूरत ऑपरेटर अपने हिसाब से टिल्ट भी कर सकता है। और इसके बाद में इसको जो है आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर कोई आदमी हाइट से कम है ज़्यादा है। उसके बाद में इधर सन वाइपर दिया हुआ है, अगर आपका धूप लग रहा है तो आप इसको सन वाइपर से आप एडजस्ट करते हैं। रूफ टॉप है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वैसे ठंड का सीज़न है, आपको खुली हवा का मज़ा लेना है तो आप इसको रूफ टॉप ओपन कर सकते हैं जैसे कार टाइप में। पूरा सीट में अगर आप देखा जाए तो इसमें एडजस्टमेंट है, बैकरेस्ट एडजस्टमेंट है, जो किसी भी ट्रैक्टर कंपनी में ये बैकरेस्ट एडजस्टमेंट नहीं होता है। उसके बाद में सीट का आगे पीछे वेट एडजस्टमेंट ये सारा दिया हुआ है। ये क्रीपर गियर लीवर है। उसके बाद में यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो ये क्रीपर के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बाद पीटीओ के हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड पीटीओ 540 और 540 आरपीएम और 1000 आरपीएम के पीटीओ है। उसके बाद में ये एक्सेलेटर है, ये हाइड्रोलिक, ये पीटीओ के इंगेज क्लच है, पीटीओ क्लच है। अगर इधर आ जाए तो ये इसका जो है ये फोर व्हील ड्राइव इंगेज डिसंगेज में आपको ऑटो क्लच की जो बात कर रहा था, इसमें एक है बीच वाला ऑटो, जो ऑटोमेटिकली मतलब वो कभी टू व्हील ड्राइव में कभी फोर व्हील ड्राइव में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये पार्किंग ब्रेक है, और जो मैं जॉयस्टिक बोला, जो आप जो कपलर बोल रहे थे, ये दो तीन जॉयस्टिक है जिसकी वजह से आप उसमें लोडर अलग से लगाने की जरूरत नहीं, ये इसमें इनबिल्ड है। ठीक है, उसके बाद में गियर, अगर गियर की बात करें तो ये देखो, इस पर आप अगर फोकस करोगे तो ये इसका स्पीड चार्ट है, इसमें 18 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स की स्पीड है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आए, इसमें जैसे सर हम बात करिए 9, 10, 11 ये क्या ये? मैं बताता हूँ, इसमें जो आप अगर ये गियर लीवर की तरफ जा रहे हो तो इसमें जो डार्क कलर का जो है, जैसे ये फर्स्ट स्पीड है, तो फर्स्ट में जितने डार्क में लिखे हुए हैं, ये जब इसको एक ही लीवर में दो ऑप्शन है इसमें, जब मैं इसको फर्स्ट में डालूंगा और फर्स्ट में डालने के बाद में जो गियर सेलेक्ट करूंगा, जैसे ये फर्स्ट डालेगा, थर्ड डालेगा, फोर्थ डालेगा, फाइव डालेगा, ठीक है, उसके बाद में फिर मैं सेकंड ऑप्शन में जाता हूँ तो ये सेकंड में शिफ्ट करने के बाद में ये जो जितने लाइट है वो सेकंड के गियर है, ऐसे करके इसमें जो है उसके बाद में ये हाई लो है, जितने यहाँ पे उसके जस्ट डबल हो जाएंगे,
तो ऐसा करके हाई लो करने के बाद में ये 18 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स की स्पीड बनती है। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे ये पहला ट्रैक्टर है जिसमें स्पीडोमीटर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। ये अभी तक इंडिया में किसी ट्रैक्टर में स्पीडोमीटर डिजिटल और प्रॉपर गेज के साथ कि कितनी स्पीड से आपका ट्रैक्टर चल रहा है वो आपको दिखाई देता है। बाकी में जस्ट एक डिजिटल टाइप में कुछ लेते कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पे इसका क्या क्या कंट्रोल्स है सब दिखाई देते हैं, जैसे आपका एयर क्लीनर चोक तो नहीं है, आपका बैटरी कितना चार्ज है, आपका डीजल कितना है, वो सारा कुछ इसमें बताता है, इंडिकेट करता है, और उसका बीप भी आता है उसके साथ में। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर गेज है, फ्यूल का गेज है, आपका RPM कितना प्रेशर है आयल का वो बताता है, इस बैटरी का वोल्टेज मीटर है, ये इस सब इसमें दिखाई देता है। और एसी के बॉलर वो कहाँ से, ये एसी का जो है यहाँ पे इधर दिया है एसी कंट्रोल के लिए, इधर इसमें म्यूजिक सिस्टम आप लगा सकते हैं, इंटरनल लाइट केबिन है, उसके बाद में बाहर के वर्क लैंप है। ये थोड़ा अलग सिस्टम है सर, ये क्या है? ये क्रीपर यूनिट है। अगर आप ये अगर निकाल लोगे तो आपको जो 18-4 की है वो आपकी जो है 14-4 की 14-2 की हो जाएगी। फिर वो सभी किसान भाई जल्दी से जल्दी अपना कूपन भर के जमा करवा दें है जी, बोनट खोल सके। धन्यवाद। ये बोनट ओपनिंग है, 11 बजे होगा। ये कूलेंट रिजर्वायर टैंक है, ये इसका गेस्टर्ड है, वहाँ पे उसका बाकी टाइम राइट 11:30 बजे आप पहुँच जाइएगा। इसके सिलेंडर दिख रहे हैं जी? 4 सिलेंडर है ये, यहाँ पे यहाँ से पता चलता है, देखो पंप के अंदर कितने, इधर से ये जितने पाइप होते हैं उतना सिलेंडर होता है। दो बैटरी क्यों दे रखी है ये? इसका जो है सीरीज बड़ा ट्रैक्टर है तो इसको सीरीज में कनेक्शन करके है, और ये स्टीयरिंग ऑयल का, ये स्टीयरिंग ऑयल हो गया, ये इसका एयर क्लीनर हो गया। हाँ जी हाँ जी, ये रेडिएटर डबल नहीं है जी, एक वो एसी का कंप्रेसर है और एक वो ऑयल कूलर होता है, और एक रेडिएटर हो गया, एक रेडिएटर होता है और एक एसी का कंप्रेसर है और एक ऑयल कूलर है। इसमें सबसे बड़ी बात एक हम देखेंगे कंप्रेसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको टायर में हवा भरना है कुछ करना है तो उसके लिए कंप्रेसर का भी प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ठीक सर, ये इसमें एक टोल फ्री नंबर है, ये देखिए। अगर किसी किसान साथियों को जानकारी पूछनी है तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके और आप पूछ सकते हैं। ये वाला इधर वाला सब दीजिए सर। किसान साथियों मोस्टली जानकारी हमने इस ट्रैक्टर की दे दी है, फिर भी कोई जानकारी रह गई है तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।